हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत इस नई वीडियो में। इस वीडियो बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 के बारे में। जीएसटी को लेकर काफी लोगों की समस्या आ रही है, काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है जीएसटी को लेकर कि जीएसटी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे, जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए। लोन लेने से पहले, लोन आवेदन करने से पहले आपको जीएसटी कंपलसरी है कि नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शुरू में देने वाला हूं। मैंने जो है उद्योग विभाग में इसके लिए एक खास बातचीत किया हुआ है फोन के माध्यम से। मैं आपको भी फोन नंबर शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो है क्या बात किया जीएसटी को लेकर और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि जीएसटी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो पूरे डाउट्स आपके जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जो है इस रिकॉर्डिंग को जो है लास्ट तक जरूर सुनिए ताकि आपका भी डाउट्स क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और जो मैंने बातें किया हुआ है उद्योग विभाग में उसका मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, सबूत है। तो मैं आपको जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेकर आया हूँ, मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, मैं आ जाता हूँ फाइल मैनेजर में। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जीएसटी के रिगार्डिंग, एमएसएमई के रिगार्डिंग। जो मैंने बातें किया वही मैं आपको यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। तो मैंने अपने फाइल मैनेजर ओपन किया हुआ, मैं लोकल फाइल में जाता हूँ, यहीं पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव होता है। रिकॉर्डिंग वाले एक सेक्शन है, ये रहा रिकॉर्ड्स का, ठीक है ना। मैं जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसी में जो है मेरा फाइल सेव हुआ है। कॉल्स का यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कॉल रिकॉर्डिंग का, मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए ये वाला नंबर पे मैंने बातें किया हुआ था 1800-3456124 और भी है आगे। और मैंने बात किया था फ्रेंड्स 4 जून को, ठीक है ना, 11:55 पे। यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग और डेट भी लिखा हुआ है। मैं इसे प्ले करके आपको जो है बताता हूँ, सुनाता हूँ ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप जो है अंत तक बने रहिएगा, इस रिकॉर्डिंग को अंत तक समझ लीजिएगा तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। चलिए मैं इसे प्ले करता हूँ। हाँ सर बोलिए, नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम दिलीप है। दिलीप मैम, जानना था ये कि क्या जीएसटी लेना जरूरी है इसमें? जी जी मैम। जी सर। ओके, जैसे कि क्या है कि जैसे आप करेंट अकाउंट खुलवाएंगे, हाँ है ना, हाँ तो करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपसे जीएसटी मांगेगा। तो केवल अगर जीएसटी ले लेते हैं तो कंपनी रजिस्टर्ड मानी जाएगी ना? हाँ। उसके बाद हमें कोई रजिस्ट्रेशन तो कराना नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं। जीएसटी क्या हुआ सर आपका? गोपालगंज। गोपालगंज आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे? अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डॉक्यूमेंट। हाँ, ये आपका 8 जून के बाद ही होगा, लॉकडाउन के बाद। ठीक है, किस योजना से आप ले रहे सर, किस योजना में लेंगे? वेबसाइट डेवलपमेंट का। ऐसा अभी हमारे यहाँ 3 योजनाएं चल रही हैं, ठीक है ना। इस योजना में आपका कौन सी मैम? शावर के लिए है। कौन सी? ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। हाँ। और एक आपका है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये आपका सारे महिलाओं लोगों के लिए है। और थर्ड आ जाता है आपका मुख्यमंत्री युवा योजना, ये आपका सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। ये 3 योजनाएं हैं सर। ये 3 योजनाएं, इसमें कौन सी योजना से आप लेना चाह रहे हैं? युवा उद्यमी योजना। युवा उद्यमी योजना के लिए आपको साइट पता है? साइट इसका आप नोट कर लीजिए। हाँ पता है, udmibihar.gov.in। लॉकडाउन के बाद ही खुल पाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको बता दिए, फिर आप देख लीजिएगा साइट पे। जी जी, जैसे इसमें प्रोप्राइटरशिप का मतलब रजिस्ट्रेशन चाहिए तो केवल जीएसटी ले लेंगे तो हो जाएगा उससे ना? हाँ हाँ, हो जाएगा। और उसी बेस पे करेंट अकाउंट खुल जाएगा? हाँ। अच्छा, इसमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं ना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, एमएसएमई जो होता है एक रजिस्ट्रेशन। जी 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 हाँ सर, नहीं उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बस ये आपका जीएसटी का करेंट अकाउंट खुलना चाहिए, ये हो जाएगा तो हो जाएगा आपका। ओके मैम, अगर मान लीजिए हम आवेदन करते हैं तो कितने दिन बाद हमें मतलब पटना जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो आप तो सब ऑनलाइन का जमाना है ना, तो वो आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, वो आप 2 मंथ के बाद फिर अप्लाई करके देखेंगे और जिनका सिलेक्शन होता है वो लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो उस लिस्ट में आप अपना देख लीजिएगा, अगर होगा तो फिर आपका आएगा, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो फिर रद्द हो जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो अच्छा से आप डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरत हो तो आप अपने जिला से ये बात कर सकते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you.
थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ही लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद से कि यहाँ पे जीएसटी कंपलसरी है। अब क्यों कंपलसरी है, मैडम भी बता रही थी कि इसलिए कंपलसरी है कि जब आप जो है अपने बिजनेस के नाम से, जैसे मान लीजिए आपका सपोज बिजनेस का नाम है ओम अगरबत्ती उद्योग, तो उस नाम से ओम अगरबत्ती उद्योग के नाम से करेंट अकाउंट चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसमें यहाँ पे देखिए बोला गया है कि प्रस्तावित फॉर्म के नाम से चालू खाता होनी चाहिए, मतलब करेंट अकाउंट होनी चाहिए। तो जब आप करेंट अकाउंट बैंक में जाएंगे खुलवाने, तो बैंक वाले बोलेंगे कि आपको जो है जीएसटी उस नाम से, मतलब ओम अगरबत्ती उद्योग के नाम से, आपके बिजनेस के नाम से, फॉर्म के नाम से जो है चाहिए ही चाहिए, तभी आपका करेंट अकाउंट खुलेगा। तो ये यहाँ पे कंपलसरी है जीएसटी लेना। अब बात दें फ्रेंड्स कि जीएसटी जो है किस प्रकार से आपको लेना है। तो मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाया हुआ था कि जीएसटी के रिगार्डिंग कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो देखिए एक बार और मैं बताता हूँ, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आपके आधार कार्ड से आपके मोबाइल नंबर लिंक भी होने चाहिए, ताकि आपका जो जीएसटी बनने में प्रोसेस जल्दी हो। और जमीन का रसीद चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए जहां आप बिजनेस बैठा रहे हैं, और बिजनेस का नेम जैसे कि रामू अगरबत्ती उद्योग, सिंहा इंटरप्राइजेज, जो भी आप नाम रखे हैं अपने बिजनेस का, वो नाम आपको जो है बताना होगा। अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो अगर आपको खुद से पता है तो आप जो है इस वेबसाइट से जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट जो है सीए एडवोकेट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो लोग भी आपको जीएसटी का कुछ चार्ज करेंगे और जो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। या मैंने जो है एक टीम गठित कर रखा है, डीएस हेल्पिंग फॉर एवर टीम, इसका जो है कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और टाइमिंग जो है, कॉलिंग का टाइमिंग जो है 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है। आप इस समय बातें कर सकते हैं और इनसे सलाह भी ले सकते हैं किस प्रकार से जीएसटी करना है। और इनका जो चार्ज है बहुत ही मिनिमम है, मात्र जो है 1000 रुपये में जो है ये आपका जीएसटी करके देंगे, जो कि मेरे टीम से है और बहुत ही अच्छा काम करेंगे आपके लिए, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, मेरे देखरेख में ये सारी चीजें होने वाली है। तो आप लोग जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। हालांकि इन्होंने बता रहा था कि मार्केट में मेरा 2000 रेट है, लेकिन जो है मैं 1000 पे कर रहा हूँ केवल आपके वजह से, लेकिन मैंने बोला चलिए ठीक है आप ऑफर निकाले। तो उन्होंने ऑफर किया हुआ है कि 22 तारीख तक अगर कोई व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उनको 1000 रुपये में किया जाएगा, नहीं तो जो है 22 तारीख के बाद अगर कोई करता है तो उसका रेट बढ़ाया जाएगा। अब रेट यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए ऑफर है, जल्दी से जो है आप इनसे कॉन्टेक्ट करके जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इनका जो है चार्ज फिलहाल अभी 1000 रुपये है, लेकिन ये जो है 22 तारीख के बाद बढ़ने वाला है। तो आपके लिए ये ऑफर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे जीएसटी के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें की, जैसे कि यहाँ पे काफी लोग जो है फॉर्म फिल करने में कंफ्यूजन हो रही है उन लोगों को, जैसे कि सबसे पहला कि उनका जो है जाति किस नाम से रहेगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे इस वेबसाइट पे, तो नीचे में आपको साफ साफ बताया गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है एससी एसटी के लिए जो दस्तावेज अपलोड करने हैं वो, देखिए जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से, मतलब जो है आपके पिताजी के नाम से जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि करंट अकाउंट कब का होनी चाहिए। तो देखिए अगर वो एससी एसटी से है तो 17/5/2018 के बाद करंट अकाउंट खुलवाया है तो उनका यहाँ पे लग जाएगा करंट अकाउंट, फॉर्म के नाम से ही लगेगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें अति पिछड़ा वर्ग के लिए तो इसमें भी पिता के नाम से ही जाति लगेगा, और यहाँ पे जो है 4/2/2020 के बाद अगर वो जो है करंट अकाउंट खुलवाया है फॉर्म के नाम से तो उनका यहाँ पे जो है करंट अकाउंट लग जाएगा। वही अगर हम बात करें महिला और ओबीसी और जनरल के लिए, तो जनरल के लिए फ्रेंड्स जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा, पिता के ही नाम से लगेगा। वो लोग जो है सर्विस प्लस बिहार की वेबसाइट से जाके जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डीएस सर्फिंग फॉर एवर जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन, तो आ जाएगा। और उसके बाद से इनका भी करंट अकाउंट देखिए बोला गया 13 मई 2021 के बाद जो लोग भी यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाए हैं उन्हीं का यहाँ पे जो है आवेदन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है करंट अकाउंट हाल ही का बोला गया है किसके लिए, तो महिला के लिए और जो ओबीसी और जनरल है उनके लिए। बाकी का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और काफी लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने में, जब आप यहाँ पे पंजीकरण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, काफी लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर डाल रहे हैं उस पर ओटीपी नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा आपको वही वाला यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके आधार नंबर से लिंक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वही वाला नंबर लिखेंगे यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे उपयोगिता पुस्तकें डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना। हालांकि मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं, लाइव प्रोसेस बताया है,
अब मैं आई बटन पे दे दूंगा। देखिए मोबाइल नंबर में बोला गया कि आधार कार्ड में पंजीकृत फोन नंबर ही मान्य है, अन्य कोई फोन नंबर मान्य नहीं होगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जो आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो आपका ओटीपी जरूर आएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मैंने जो ऑलरेडी कई प्रकार के वीडियो बना चुके हैं इस योजना के अंतर्गत, और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर एक वीडियो लेकर आऊंगा और आप लोगों को जो है मैं जरूर हेल्प कर रहा हूँ। लगातार आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि लगातार इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, जो भी डाउट्स होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीएस सर्विंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।